नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट, ईएसआईसी, जीएमसीएच, पीजीआई चंडीगढ़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद्रास नले। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिनके अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने ओबीजी के कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे, तो लास्ट टू वीडियो लेक्चर में हम इसको लेके चल रहे हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं। और ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पूछा जा रहा है, रिटेनिंग ए डेड फीटस इन यूट्रस फॉर फ्यू वीक्स। डेड फीटस का यूट्रस के अंदर कुछ वीक तक रिटेन करना, क्या हो रहा है? रिटेनिंग हो रही है। किसकी? डेड फीटस की। और कहां पे हो रही है? यूट्रस के अंदर। कुछ सप्ताह तक, फॉर फ्यू वीक्स, देर इज रिटेनिंग ऑफ डेड फीटस इन यूट्रस इज नोन एज इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, रिकरेंट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन। चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए। डेड फीटस का यूट्रस के अंदर रिटेन करना कुछ वीक के लिए, कुछ वीक के लिए। देखिएगा, इनकम्प्लीट अबॉर्शन उसको बोला जिसमें कुछ प्रोडक्ट बाहर आ जाता है और एक सिंगल छोटा सा पार्ट अंदर रह जाता है, उसको इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। इसलिए ये तो जवाब नहीं बनेगा। कंप्लीट अबॉर्शन में यूट्रस एकदम एम्प्टी हो जाता है। क्या हो जाता है? एम्प्टी हो जाता है। तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। रिकरेंट अबॉर्शन में बार बार अबॉर्शन होते हैं, वो कंप्लीट हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, लेकिन बार बार अबॉर्शन होते हैं उसको रिकरेंट अबॉर्शन कहते हैं। इसलिए ये भी खोटा जवाब है। ए, बी और डी, सी, तीनों ही खोटे जवाब है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। इट्स मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन का मतलब होता है कि अबॉर्शन तो हो गया, यूएसजी के अंदर बच्चा डेड मिल रहा है आपको, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ कंसप्शन अंदर ही है। तो जब प्रोडक्ट ऑफ कंसप्शन अंदर ही है, डेड फीटस अंदर है, उसको अपन बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी, दैट इज मिस्ड अबॉर्शन। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इट्स मिस्ड अबॉर्शन, एग्जैक्टली। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट लेडी हु इज ओल्डर देन 35 इयर्स ऑफ एज इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर हैविंग। एक लेडी, प्रेग्नेंट लेडी जो 35 साल से ज्यादा उम्र की है और उसकी उम्र हो चुकी है, और किस रिस्क पे वो सबसे ज्यादा है? 35 साल से ज्यादा उम्र पे प्रेगनेंसी हुई है लेडी को, तो कौन सी रिस्क सबसे ज्यादा है? प्रीटर्म इन्फेंट, लो बर्थ वेट बेबी, प्लासेंटा प्रीविया, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। 35 ईयर से ज्यादा एज है उस लेडी में, कौन सी रिस्क ज्यादा है? ग्रेटेस्ट रिस्क, प्रीटम बच्चा होगा, एलबीडब्ल्यू बेबी होगा, प्लासेंटा प्रीविया होगा, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होगा। चार ऑप्शन लिखे हुए, फटाफट से जवाब लिखिएगा। देखिएगा, जैसे जैसे एडवांस एज होती है, यूट्रस की कंपिटेंसी जो होती है वो गड़बड़ाने लगती है, हार्मोन जो है इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, इम्प्लांटेशन जो है वो बढ़िया से नहीं हो पाता है, और जब प्लासेंटा जो है वो इम्प्लांट लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है, उसको प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। तो उस लेडी के अंदर देखने को मिलता है प्लासेंटा प्रीविया। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्लासेंटा जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा, और इसके होने का रीजन है एडवांस एज, 35 ईयर से ज्यादा लेडी का एज है, इसकी वजह से प्लासेंटा जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा सी, इट्स प्लासेंटा प्रीविया। प्रीटम इन्फेंट, एलबीडब्ल्यू और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन यहाँ पे खोटे जवाब है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इट्स प्लासेंटा प्रीविया। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉमन अमंग द वुमन इन हर सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। किसी भी वुमन के अंदर सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी कंडीशन कॉमनली देखने को मिलती है सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर? प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर, इट्स 12 to 28 वीक। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 12 से या 13 से 28 वीक। 13 से 28 वीक का जो टाइम पीरियड है, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, उसमें कौन सी कंडीशन कॉमन होगी वुमन में? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मैस्टाइटिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सेकेंड ट्राइमेस्टर हाइपर वॉल्यूमिया। और जब वॉल्यूम ज्यादा होगा
हाइपर वॉल्यूमिया होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे डाइल्यूशनल एनीमिया, जिसको हम फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं, डाइल्यूशन के कारण एनीमिया देखने को मिलेगा, इसको फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ड्यू टू द हाइपर वॉल्यूमिया ब्लड जो है उसमें आरबीसी जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी, तो पर क्यूबिक मिलीमीटर में आरबीसी के नंबर जो है वो कम देखने को मिलेंगे, कंडीशन एनीमिया कहलाएगी, और एनीमिया का कारण है डाइल्यूशन, इस एनीमिया को फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डाइल्यूशनल एनीमिया या फिजियोलॉजिकल एनीमिया। मैस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन वहाँ पे नहीं होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दोनों एसिडिक कंडीशन है जिनका संबंध सेकेंड ट्राइमेस्टर नहीं है, ज़्यादातर होने की संभावना होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्यू टू द हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। अगर लेडी को हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग उसको होती है, तो इनिशियल एल्कलोसिस होता है, लेटर ऑन एसिडोसिस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी, दैट इज फिजियोलॉजिकल एनीमिया। मैस्टाइटिस ज़्यादातर बर्थ होने के बाद में पोस्टनेटल लाइफ में देखने को मिलता है, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट। करेक्ट आंसर है डी, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग कंडीशन ऑफ ए प्रेग्नेंट वूमन नीड एन इमीडिएट अटेंशन। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी में कौन सी कंडीशन इमीडिएट अटेंशन के लिए बोल रही है, मतलब कौन सी कंडीशन में हाथों हाथ आपको इंटरवेंशन लेने पड़ेंगे, मतलब वो कंडीशन जो है प्रेग्नेंट लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू में वो जो कंडीशन है वो इमरजेंसी है, क्या है इमरजेंसी। तो ऐसा कौन सा क्लिनिकल साइन है एक प्रेग्नेंट लेडी में जो इमरजेंसी को इंडिकेट करता है, पेन रेडिएट टू लेग, हर्ट बर्न, एपिगैस्ट्रिक पेन, क्रैम्प्स, चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो इमरजेंसी को इंडिकेट करती है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, पेन रेडिएट टू लेग, लेडी में हार्ट बर्न, एपिगैस्ट्रिक पेन या क्रैम्प, जवाब लिखिएगा। पेन रेडिएट टू लेग सियाटिक सिंड्रोम है, इमरजेंसी नहीं है लेकिन ये भी प्रॉब्लम तो है पर ये इमरजेंसी नहीं है। हार्ट बर्न या पायरोसिस जो है वो रीगर्जिटेशन या रिफ्लक्स को इंडिकेट करते हैं, इमरजेंसी नहीं है लेकिन एपिगैस्ट्रिक पेन जो हो रहा है, ये जो हार्ट बर्न जो हो रहा है, पायरोसिस जो हो रहा है, इसके होने का कारण रीगर्जिटेशन है, रिफ्लक्स है। क्रैम्प्स जो लेग में होते हैं वो कॉमनली कैल्शियम की कमी से देखने को मिलते हैं प्रेग्नेंट लेडी में, एडिमा की वजह से हो सकते हैं, इमरजेंसी नहीं है लेकिन ये कॉमन सिम्टम है जो होते हैं। तो ए बी और डी में जो सिम्टम दिए हैं ये कॉमन सिम्टम है, ये कोई इमरजेंसी कंडीशन को इंडिकेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडी को एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, इक्लेम्सिया, प्री इक्लेम्सिया, प्री इक्लेम्सिया और विच विल लीड टू इक्लेम्सिया, जो कि एक डेंजरस कंडीशन है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है। तो पेन एपिगैस्ट्रिक पेन जो है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया जैसी सिचुएशन को इंडिकेट करता है, और इन कंडीशन में आपको इमरजेंसी एक्शन लेने की जरूरत है क्योंकि कंडीशन इमरजेंसी है। तो किसी भी लेडी में अगर पेन एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है इमरजेंसी कंडीशन को इंडिकेट करता है, हाथों हाथ एक्शन लेने की नीड उस लेडी में जरूर रहेगी। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेक्निक यूज बाय मिडवाइफ इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर टू फैसिलिटेट डिलीवरी ओवर एन इंटैक्ट पेरिनियम। एक लेडी है जिसमें पेरिनियम इंटैक्ट रहे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, हम कोई ऐसा टेक्निक यूज करते हैं जो कि डिलीवरी को फैसिलिटेट करेगा पेरिनियम को इंटैक्ट रखते हुए, है ना, एक इंटैक्ट पेरिनियम के ऊपर, इंटैक्ट पेरिनियम के ऊपर कोई टेक्निक यूज करते हैं और उस टेक्निक को यूज करके सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हम डिलीवरी को फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट मतलब बढ़ावा देते हैं कि डिलीवरी आसान हो जाए, इसके लिए पेरिनियम वाले एरिया के ऊपर ऐसा कोई कट लगाओ और रस्ते को थोड़ा बड़ा करो ताकि डिलीवरी आराम से हो जाए, वो कट सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में लगाते हैं। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन है एपिजियोटोमी, आयरनिंग आउट, बियरिंग डाउन एफर्ट, फंडल प्रेशर, चार ऑप्शन लिखे हुए सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जब क्राउनिंग होती है। क्या होती है क्राउनिंग? फीटल का जो हेड है वो जब विजुअलाइजेशन होता है बर्थ कैनाल से, उसको क्राउनिंग कहते हैं। जो क्राउनिंग होती है उस समय हमें जो पेरिनियल एरिया होता है उस पेरिनियम पे एक कट लगाते हैं और उसको एपिजियोटोमी बोलते हैं। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उस पेरिनियम एरिया में विद द हेल्प ऑफ एपिजियोटोमी सीजर हम वहाँ पे कट लगाते हैं
किससे लेबर जो है वो आसान हो जाए और बच्चा जो है वो डिलीवर हो जाए। तो पेरिनियम पे लगने वाले इस कट को एपिजियोटोमी नाम का प्रोसीजर कहते हैं और ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में किया जाता है। ए करेक्ट आंसर है आयरनिंग आउट, बियर डाउन या फंडल प्रेशर, यहाँ पे जॉब नहीं बनेंगे, ये तीनों ही खोटे जॉब है। पेरिनियम एरिया पे कट लगाना एपिजियोटोमी कहलाता है और ये फैसिलिटेट करता है लेबर के प्रोसेस को। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग दीज इज ए साइन या सिम्टम ऑफ इम्पेंडिंग लेबर। इम्पेंडिंग लेबर का साइन एंड सिम्टम कौन सा है, ये कुछ साइन एंड सिम्टम दिए गए नीचे, इनमें से वो साइन एंड सिम्टम बताओ जो इम्पेंडिंग लेबर को इंडिकेट करता है। इम्पेंडिंग लेबर का मतलब होता है कि लेबर होने ही वाला है, लेबर के होने का इंडिकेशन कि साहब अभी लेबर होने ही वाला है, इम्पेंडिंग लेबर है, उसका साइन एंड सिम्टम बताओ। लाइटनिंग, टाइटनिंग, क्विकनिंग, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन। इम्पेंडिंग लेबर का साइन एंड सिम्टम लाइटनिंग होगा, टाइटनिंग होगा, क्विकनिंग होगा या ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन होगा, कौन सा साइन है इम्पेंडिंग लेबर का, जवाब लिखिएगा। इम्पेंडिंग लेबर का साइन लाइटनिंग, टाइटनिंग, क्विकनिंग, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की, देखिएगा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन जो है ये पूरे प्रेगनेंसी के दौरान चलने वाले कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, है ना। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन पूरी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रेक्शन चलते रहते हैं प्रेगनेंट लेडी को, और ये होल प्रेगनेंसी रहते हैं, ये ट्रू कॉन्ट्रेक्शन नहीं है, ये चलते रहते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन कहलाते हैं। क्विकनिंग जो होता है ये फर्स्ट फीटल मूवमेंट है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर इज नोन एज क्विकनिंग, तो ये तो नहीं है ये। और टाइटनिंग जो है ये कोई साइन नहीं है, ये नर्व कंप्रेशन को इंडिकेट करता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में टाइटनिंग देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होता है कि जो फंडस पार्ट है 36 वीक पे जो डायफ्राम तक पहुंच गया वो वापस थोड़ा नीचे की तरफ आता है, इंडिकेट करता है, इसको वेलकम साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेलकम साइन बोलते हैं। और लाइटनिंग इंडिकेट करती है कि बच्चा जो है उसका एंगेजमेंट हुआ है और वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर आ रहा है, इसको वेलकम साइन या लाइटनिंग के नाम से हम जानते हैं, बच्चे का नीचे की तरफ आना, एंगेज होना। तो ये लाइटनिंग साइन ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। टाइटनिंग, क्विकनिंग या ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन खोटे जवाब है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है। इम्पेंडिंग लेबर का साइन है लाइटनिंग, बहुत अच्छे, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स जो है, प्रेगनेंसी के दौरान किस नाम से जानी जाती है, अगर प्रेगनेंसी में सर्विक्स सॉफ्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कर्निंग साइन, एलिस साइन, गुडेल साइन, लेबलार साइन। क्या बात है, छा गए भाई, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 100% आई कैन से, बहुत अच्छे, वेरी गुड, इट्स गुडेल साइन। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इज द गुडेल साइन। हैगार साइन होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्ट होना, है ना, सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट हैगार साइन, और सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इज नोन एज गुडेल साइन, और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना चार्विक साइन, तीनों साइन इंपॉर्टेंट है, गुडेल साइन, हैगार साइन, चार्विक साइन। हैगार साइन किसको बोला हमने, हैगार साइन अपने किसको बोला, सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, गुडेल साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, और चार्विक साइन ब्लूइश डिस्कलरेशन और ब्लूइश हैजी वेजाइना, है ना, ये होता है चार्विक साइन। कर्निंग साइन जो है ये मेनिनजाइटिस में देखने को मिलता है, मेनिनजाइटिस का साइन है कर्निंग साइन, और ब्रूट जिस की साइन नकल रिजिडिटी, तीनों कार्डिनल साइन है मेनिनजाइटिस के। एक होता है कर्निंग साइन, एक होता है ब्रूट जिन्स की साइन, ब्रूट जिन्स की साइन, और एक साइन वहां पे क्या होता है, एक साइन वहां पे होता है नकल रिजिडिटी। ये तीनों के तीनों साइन जो है किससे देखने को मिलता है, मेनिनजाइटिस में। एलिस साइन जो होता है, एलिस साइन ये डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ हिप में देखने को मिलता है, DDH, इसका साइन है एलिस साइन। कर्निंग साइन, लेबलार साइन यहाँ पे नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, दैट इज नोन एज गुडेल साइन एंड दैट इंडिकेट सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गुड, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा,
क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी होती है, प्लासेंटा जो है उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन का नाम बताओ, मेनिंजाइटिस, यॉर्क सैक, कोरियन, एमनियन, आउटर मोस्ट लेयर। क्या बात है, छा गए भाई, क्या बात है, मजा आ गया, वेरी गुड, इट्स कोरियन। आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरियन, इनर मोस्ट लेयर होती है एमनियन, प्लासेंटा की आउटर मोस्ट लेयर होगी कोरियन, अंदर होगा एमनियन, एमनियन के अंदर यॉर्क सैक इनिशियल बनेगा जो यॉर्क सैक, और मेनिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, और मेनिंजेस जो होती है वो कवरिंग लेयर होती है सीएनएस की, सीएनएस की कवरिंग, और सीएनएस की कवरिंग तीन होती है, डैप लिखते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। पाया मैटर इज द इनर मोस्ट लेयर, एरेक्नॉइड मैटर इज द मिडल लेयर, और ड्यूरा मैटर इज द आउटर लेयर। तीनों ही लेयर किसकी होती है, सीएनएस की कवरिंग लेयर है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग लेयर है, मेनिंजाइटिस इसको नाम देते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, दैट इज नोन एज कोरियन, और कोरियन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लासेंटा, सी इज द करेक्ट वन, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, द प्लासेंटा ओरिजिनेट फ्रॉम, सवाल ने आपको पूछा है प्लासेंटा कहां से, किससे ओरिजिनेट होता है। फर्स्ट है मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम तो हार्ट की इनर मोस्ट मिडल लेयर है, ये तो खोटा जवाब हो गया, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम हार्ट की लेयर है, ये तो मस्कुलर लेयर है हार्ट की, खोटा है। डेसिडुअल वीरा, डेसिडुअल कैप्सुलरिस और कोरियन फ्रोंडोसोम। प्लासेंटा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड, इट्स डी, कोरियन फ्रोंडोसोम, डी इज द करेक्ट वन। प्लासेंटा का ओरिजिनेशन जो होता है वो जिस लेयर से होता है, जिस मेम्ब्रेन से होता है, उसको कोरियन फ्रोंडोसोम के नाम से जाना जाता है। तो द प्लासेंटा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कोरियन फ्रोंडोसोम, डी इज द करेक्ट वन। ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द पार्ट ऑफ फीटल सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन का वो पार्ट जो फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाता है बर्थ होने के बाद में, बर्थ होने से पहले उसका नाम कुछ और होता है, बर्थ होने के बाद में उसको अपन फोसा ओवेलिस बोलते हैं, तो वो कौन सा फीटल सर्कुलेशन का पार्ट होता है जिसको बर्थ होने के बाद में फोसा ओवेलिस बोल दिया जाएगा, और बर्थ होने से पहले उसका नाम कुछ अलग होता है, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन, फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टरियोसस। बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, और आपके ये जवाब दे के मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक सही जगह पे है, आपका भविष्य बिल्कुल सही लाइन पे है, और आप एक बेहतरीन भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आज ही लिखवा लीजिए मेरे से कि अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो डेफिनेटली आप एक दिन एक बेहतरीन बेहतरीन उज्ज्वल भविष्य की कगार पे होंगे। आपका ये रेस्पॉन्स, आपके ये जवाब, आपकी ये मेहनत उस ऊपर वाले तक जरूर पहुंचेगी, और वो परमपिता परमेश्वर सबका ध्यान रखता है, वो हर आदमी जो मेहनत करता है उसको फल जरूर देता है, और आपको वो फल एक दिन जरूर मिलेगा। मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद अदा करता हूँ। बस एक काम जरूर करिएगा, उस परमपिता परमेश्वर के लिए जरूर करिएगा कि इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इन चीज़ों को लगातार पढ़ के देख के इस तरीके से अपने माइंड मेकअप कर सकते हैं, इस तरीके से आप बेहतरीन अपने दिमाग का यूज़ करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, तो हर इंडिविजुअल जो इसको देखेगा वो जरूर बढ़ेगा, और हमारी ये मेहनत एक दिन आगे बढ़ेगी। आप लोग 100 लोग हैं, मैं एक हूँ, 101 जब हम मिलेंगे तो डेफिनेटली हम बेहतरीन जगह पे होंगे। तो बिल्कुल मदद करिए इस चैनल को शेयर करने में, और इंसान की पहली खास बात ये होती है, अच्छे इंसान की पहली खास बात ये होती है कि वो इंसान की मदद करता है। जरूर करिए, एक दिन यही काम आएगी। जब आप 60-70 साल के हो जाएंगे ना, तो आप इस बात को जरूर याद रखेंगे कि आपने जिंदगी में किसी की मदद की। बाकी सब होगा आपके पास में, और इतना होगा जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा। आज आपको लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, बस एक जॉब लग जाए, मैं कहता हूं एक नहीं, इतनी जॉब लगेगी कि आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सी ज्वाइन करूं सर। बस पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनिएगा, लोगों की मदद जरूर करिएगा, वो दिल से उनकी दुआएं जो लगती है ना, देखो दुआएं लगती है, जैसे बददुआएं लगती है वैसे दुआएं लगती है, और दुआएं तब लगती है जब आप किसी का भला करते हैं, वो यहां से निकलती है। शेयर करें, शेयर करें, जितना हो सके करें, शेयर करने का मन ना करे तो भी करें, अपने कालजे के ऊपर पत्थर रख के शेयर करें, फिर भी करें, अच्छा इंसान बने। आगे लेके चलता हूं, तो यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा फोरामेन ओवल, जैसा आप सब लोगों ने बताया, सी यहां पे करेक्ट आंसर है। अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है इसको मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट के नाम से जानते हैं, मीडियल अम्बिलिकल
लिगामेंट, मीडियल अम्लिकल लिगामेंट, अम्लिकल वैन को लिगामेंट टेरस, लिगामेंटम टेरस के नाम से जानते हैं, और डक्टस आर्टियोसस को लिगामेंटम आर्टीरियोजम, लिगामेंटम आर्टीरियोजम ये नाम से हम जानते हैं। तो ये तीन नाम अलग है, फोरामेन ओवल को फोसा ओवलिस के नाम से, ये सारे के सारे नामकरण इनके चेंज हो जाते हैं बर्थ होने के बाद में, बर्थ होने से पहले और बर्थ होने के बाद के नाम। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5-स्टार रेटिंग का एक ऐप मिलेगा, ये नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है। इस लोगो के साथ में ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए। अब यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कुछ लोग रेटिंग तो दे रहे हैं, देना 5 स्टार चाहते हैं, 1 स्टार लगता है, तो 5वें स्टार पे क्लिक करें, 5वें नंबर पे सीधा क्लिक करोगे 5वें स्टार आ जाएंगे, तो रेटिंग 5 स्टार की होगी। और अपना रिव्यू जरूर लिखे वहां पे, आप क्या सोचते हैं इस ऐप और इस चैनल के बारे में, रिव्यू जरूर लिखे, तो ऐप के सारे फीचर आप लोगों के लिए खुल जाएंगे, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट वहां पे आपको PDFs मिलेंगे, सब फ्री है। एक बार ऐप इंस्टॉल करेंगे, फ्यूचर में बहुत सारी चीजें इस ऐप के ऊपर मिलेगी आपको, इतनी चीजें मिलेगी कि जिनको पढ़ते पढ़ते आप जो है अपने बेहतरीन भविष्य का निर्माण कर जाएंगे। कुछ चीजें फ्री होगी, कुछ चीजें पेड होगी, उस पेड चीज में एक चीज अवेलेबल है MPCH और टेस्ट सीरीज, फ्री चीज में अवेलेबल है नोवल वेलकम टेस्ट सीरीज नोट सेट के बेस के ऊपर। ये पेड है, 35 टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे आपको, लगभग 22 टेस्ट आ चुके हैं, बाकी के टेस्ट 1x1 रोज आते हैं, टोटल 35 टेस्ट आएंगे। वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन और कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। मिलेंगे दोबारा एक नए MCQ सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ टिकी, कुछ कंसेप्शनल MCQ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।